सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे भाई जींद के किनाना में, और जींद के किनाना में एक ढाबे पर पहुंच रहे बिट्टू दा ढाबा। और आड़े देखोगे आके एक बड़ी गाय खड़ी है, नीचे बछड़ा चुंगन लाग रहा है। तो आड़े गाय क्यों खड़ी कर रखी है, तो यह पूछेंगे भी किनाना में इतनी बड़ी गाय खड़ी कर रखी। राम राम भाई। राम राम भाई। राम राम सभी आपके, सभी आपके दर्शकों ने राम राम। मेरा नाम बिट्टू है और गाय का मैं शौकीन हूँ। 40-45 गाय मेरे पास फार्म पे बंधी हुई हैं। अच्छा। सही, इसमें सभी देसी नस्ल की गायें हैं, साहिवाल है, हरियाणा है, गिर है। अच्छा। और ब्रीडिंग का काम है और सभी आसपास के गोवंश के लिए फ्री मैटिंग भी करवाई जाती है। वहाँ पे सभी HLD के और रिकॉर्डेड सांड है मेरे पास, वो किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अच्छा। अच्छा, तो ये गाय है तो मतलब फिर घी भी देसी का बनाओगे? बिल्कुल, अपने सामने सुबह जो मोवा मारा है वो गाय के दूध से मारा जाता है और गाय का दूध यूज करते हैं। डेरिया में दूध नहीं रह रहा, हाँ, इसलिए अपना दूध यूज करते हैं। हम गौशाला से दूध लाते हैं और उसी से मोवा मारते हैं। और जो घेवर बनाओ कितने डाल का बनाओ हो? दो डाल का बनाओ, एक दूध वाला और एक मोवा वाला। अच्छा। अच्छा, किनाना में पिनाना की ओर करा रहे हैं? हाँ, पिनाना के वर्कर 2-3 साल पहले पिनाना में काम किया करते ये वर्कर, वो आ रहे हैं ये रोहतक रोड अपना किनाना गाँव के पास में। भाई आपने सुना होगा कि मतलब पिनाने का घेवर खूब मशहूर है सोनीपत पिनाने का, तो पिनाना वाले वर्कर जो उड़ा काम कर रहा था वे आड़ा रहे हैं, पहले उड़ा घेवर बना करते ये, तो इन घेवर वाले तभी पूछेंगे। आइयो जी एक बार। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है? मेरा नाम श्याम है जी। आप बनाते हो घेवर? हाँ जी, हमारे उस्ताद जी हैं ये बना रहे हैं, हम जलेबी और घेवर सारा हेल्प कर रहे हैं जी। अच्छा। कारीगर हमारे यहाँ जी। तो कारीगर ये देसी घी में बनाते जी, स्पेशल देसी घी में, बीटा का घी है। बीटा का घी। हाँ जी, पेवर एक नंबर देसी घी है जी। कितने डाल का घेवर बनाते हो? दो डाल के जी, एक मावे वाला और एक दूध वाला। दूध वाला। हाँ जी भाई, मतलब दो डाल का घेवर बनाया है? हाँ जी, दो डाल का घेवर। और जो माँ वाले कड़ा है वो खुद अपनी गाय के, वो अपने गाँव गाय के दूध से लगता है। ये मशीन हमारे पास, इसमें भी जैसे सुबह मावा मार दिया। अच्छा, मशीन खोआ निकालने की? हाँ, खोआ निकालने की मशीन है ये। अच्छा, इसमें मावा लगा देते हैं। ये लेकाड़े जा है? हाँ, ये घूमती रहे तो मुआ बन जाए, अपने आप दूध गर्म हो गए। नीचे इसका आग चल जा, नीचे आग चलती रहे इसके। वैसे तो देखे होंगे कि हलवाई लकड़ते पर आड़ा मशीन थे लकड़ा है, अरे वो लकड़ कर फिर वो घेवर के ऊपर जा है, तो देख लो इसने सुबह सुबह निकाल लिया इसमें, क्योंकि मावा लग रहा है इसका। मावा लग रहा है चारों तरफ। तो भाई सुबह सुबह मावा लकड़ दिया है और घेवर तैयार है, और यो किस चीज में बनाने लग रहे हो? चाशनी है जी। चाशनी तैयार? चाशनी तैयार करने लग रहे। खांड में बनाओ हो? हाँ, खाने में नहीं जी, चीनी में बनाओ। अच्छा। हाँ। तो ये देख लो भाई, तैयार करना लग रहे हैं, वो हलवाई बैठा है, ये देखो ये चमची फूट रही है कि नहीं चल है। अच्छा, कसूता कारीगर है, हटता ही नहीं, एक मैंने तुम देखे एक बगैर दिया अगर हट लिया अगर, अरे वो लग रहा है कसूता घेर बनाने लग रहा है। हाँ जी, बढ़िया घेर बनावा है, जिसने भी 2 दिन से चालू करी है दुकाने और जिसने भी खाया उन्हें बढ़िया बताया। आड़ा आस पास ट्रक बोडिया काम है, काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं इधर। तो कई साल तक रो भाई घ्योर का तो अभी किया है जी, जलेबी का 3-4 महीने पहले से चालू कर रखा है। जलेबी वे मोटी घुमाने वाली? हाँ, घुमाने वाली जलेबी है जी। अच्छा, वे भी देसी घी की? हाँ, वो भी देसी घी की है जी। अरे भाई, मोटी मोटी जलेबी भी है देसी घी की, किनाने वाले ने कुछ नहीं छोड़ा, सारी चीज बना गई है देसी घी का घेवर, देसी घी की जलेबी है भीतर। लो जी, राम राम जी। राम राम जी। कई साल तक बनाओ हो? मन हो गई कम 10 साल हो गई बनाते बनाते घेवर। घेवर बनाते बनाते 10 साल हो गए? हाँ। देखो तो आप इतने परफेक्ट हो रहे हो। हाँ, मैं मोखरा मदीना भी वो गौशाला अटगामा गौशाला राकेश मलिक के पास भी करके आ रहा हूँ। अच्छा। हाँ, घेवर का काम तो वही कसूता घेवर। ये देख लो कोटोड़ बड़े बड़े चक्कर बना रखे हैं, तो ये देसी घी का है? देसी घी का घेवर, देसी है, कोई मिलावट नहीं है। आप तो इसकी खुशबू में छिक लेते हो गए? और ये बनाते बनाते वैसे छिक लेते हैं हम तो। तो भाई देसी घी की खुशबू में छकले नून चाशनी बन लाग रही है, और यो दिखा दे आपने, यो खोआ तड़के उसमें बनाया गया है? ये गाय के दूध से बनाया गया है खोआ। अच्छा, एक बार टेस्ट करके देखो, भी टेस्ट करवाते हैं आप। देखो भाई चम्मच लाओ, टेस्ट करके देखेंगे किसा खोया काट रखा है, जो गाय के दूध का खोआ है। ये तो गणाए है। मजा आओ भाई, खाती आना गजब का है। लो भाई, अब पब्लिक को जी कसूता मावा है, अब पब्लिक को बाहर नहीं घूमना पड़ेगा, जिंदगी पब्लिक अपने जिंद शहर में रोहतक रोड हाईवे पे
गांव किनाना के पास में बिट्टू दा ढाबा, यहाँ अपना बिट्टू दा ढाबा तो पहले मशहूर है। अरे इन्हें घेवर करके और भी कुछ सुता काम कर दिया है। हाँ जी, और साथ में जलेबी है, ये ड्राई फ्रूट भी डालो इनमें। हाँ जी, ड्राई फ्रूट भी डाले। अच्छा गेले यो भी खुआ लिया भाई, काजू भी गेले डाल रहे, एक बार देख लो आप घेवर ने पूरे इंद काजू भी डाल रखे इस पर, ड्राई फ्रूट है जो, और ऊपर तो यो ही मावा डाल रखा जो मैंने ही खाया है, बिल्कुल प्योर मावा है, गजब का है। अगर आप खाओगे ना तो खाते आपने नुबेरा फट जाएगा, सच में बहुत बढ़िया मावा है, यो मावा दरिया है। तो भाई एक बार पूरा इसकी लोकेशन बता दो। ये जी रोहतक रोड है, जींद बाईपास रोहतक रोड है, गाँव अनूपगढ़ किनाना के पास, बिट्टू दा ढाबा। बिट्टू दा ढाबा, तो भाई बिट्टू दा ढाबा है। बाकी आपने वो भी लागे दिख जाएंगे, पोस्टर भी लाग रहे हैं, और उधर देखोगे क्रांतिकारी राजीव दीक्षित का भी फोटो लाग रहे हैं। तो आपने अगर देसी घी का बढ़िया घेवर लेना है, गाय के दूध का बना हुआ खोआ है, क्योंकि गाय का दूध तो आपने बेरा की कितना बढ़िया हुआ है, कितना लाभकारी हुआ है, तो आड़ा मिलेगा किनाना में। एक यहाँ की खास बात है जी, यहाँ गौ माता की फोटो मिलेगी गेट पे। गौ माता की फोटो नहीं, वो पूरी गौ माता ही खड़ी कर रखी है गेट पे पूरी बड्डी बनाकर है। तो श्यामी यो खासियत है, एक तो अपने बिट्टू का ढाबा दिखेगा, ऊपर उसके आगे गाय खड़ी है पूरी बड्डी, और सगर्दे का पोस्टर भी लाग रहे हैं। आप लेना रहे हो सर? राम राम सर। राम राम। क्या नाम है? रामपाल नाम है। बड़े ताए हो? किनाना से। किनाना ते? हाँ। तो पहले भी खाया इनका घेवर? पहले भी खाया है, अभी फिर लेकर जाऊंगा। किसका घेवर है? बढ़िया घेवर है, बढ़िया जलेबी है, देसी घी बने। अच्छा, अच्छी खाने में स्वादिष्ट। घरा भी ले गए हो? घरा भी ले जाऊँ, बाहर भी ले जाऊँ। मिठाई तक खोया है? सब तो ही खोया। अच्छा, मिठाई ने किसा को बताया? घर में जाने बात तो सब खाओगे, ताई ताऊ के दाव। अच्छा। बच्चे भी खाओगे मैडम भी खाओगी। फिर अटके नहीं गया, अटके फिर ले आई हो? लेना रे दोबारा, फिर सामने सामने तक कहीं ले जाओगे? हाँ, वो ले जा रू मैं, दो ढाई क्विंटल के और तो लागे जाए कि छोरिया, दो ढाई आराम से कोथड़ी कथड़िया में खूब जा। अच्छा घेवर तो कितना ही खा लो? हाँ, देसी घी का अरनू क्या अगर भाई सुतरा खा लो, पर थोड़ा खा लो तो आप देखने भी लाग रहे हो आड़े का सारे का, और भी लेना रहे हैं। राम राम भाई। राम राम। क्या नाम है? सद्दाम। क्या नाम है? सद्दाम। आए हो कड़े ते? ये मथुरा से आया हूँ। मथुरा से घेवर लेने? चढ़ाई कर दे भाई। तो घेवर लेने इधर बढ़िया घेवर है, बिट्टू जी का बहुत अच्छा घेवर है, ऐसा अच्छा। थोड़ी हाँ, पहले भी लेके गए हम इसे, अच्छा मतलब बढ़िया घेवर। आप क्यों मथुरा में मिला ऐसा? मथुरा में मिलता लेकिन मथुरा से है बढ़िया, इधर ये बढ़िया है। हाँ। तो यही से लेके देसी घी का आए, ऐसा नहीं है कोई। अच्छा, कौन सी बात, आप भी घेवर लेने आए हो? आप कितना आए हो? किनाना से आया हूँ। किनाना की तो मौज होगी, जड़ की जड़ में घेवर मिलने लग गया, बढ़िया जड़ की जड़ में बढ़िया घेवर मिल रहा है, देसी घी का प्योर। तुम दूर जाने की जरूरत कौन है? जाने की जरूरत नहीं जी, शहर में जाया करते, वहाँ भी ऐसा नहीं मिला करता, यहाँ बढ़िया मिल रहा है बिल्कुल। अरे चीट शहर में भीड़ भाड़ से दूर है? हाँ, सब भीड़ भाड़ से दूर थी। राम राम। तो आप भी घेवर लेने आए हो? हाँ, हम भी घेवर लेने आए जी। लेके जाना चाहिए, घराली ने भी खोई हो और ताकत है, आप खा जाओ। ना ना, मैं आया हूँ बुआने से लेना आप। अच्छा, सरदार जी राम राम। ठीक हो? हाँ ठीक है। कहाँ से आए हो? मैं किनाने से। किनाने से ही हो? अच्छा, तो कितना घेवर लेके जाओगे? 2 किलो से लेके जाएंगे जी, ये फैमिली छोटी है ना। अच्छा, तो बताओ घेवर किसा है? मशहूर है जी काफी, मतलब अच्छा, पहले भी जिस तरह रसगुल्ला का काम था वो भी अच्छा था, और अभी भाई साहब ने ये काम किया, ये बहुत ही मतलब अच्छा पर्सनैलिटी है, और शुद्ध देसी का, ये नहीं है मतलब कोई क्रीम डाल दिया, कोई केमिकल डाल दिया, कोई केमिकल नहीं है, बहुत ही अच्छा है। और अभी से प्रचार होने लगे और बुकिंग भी होने लगी, ये बात नहीं है एडवांस में। और सबसे बढ़िया बात तो ये हो कि जो ऊपर जो खोआ डाला जाए वो गाय के घी बने जी, बिल्कुल हाँ, सारा देसी गिर गाय का सारा देसी बरते हैं जी, घी भी बरते हैं देसी, घर के लिए भी और भी ले आवे हैं बहुत दूर दूर से, और यूनिवर्सिटियों में इनमें भी मतलब गाय का घी लेके जाते हैं हमारे इधर से। मैडम जी एक बार खाओगे बार बार आओगे इधर? बिल्कुल, वो तुम्हारे दर्शक बताओगे, एक बार खाओगे बार बार आओगे। भाई ऑनलाइन भी भेज दोगे? हाँ जी, ऑनलाइन भी भेज देंगे। और ये जी अपना फार्म है देखो गाय का ऑनलाइन। अच्छा, मोबाइल में एक गौ माता दिख रही है सभी। ले भाई देख लो, ये गाय बंद रही है और इनने का दूध जिसका ये मावा बनन लाग रहा है। अच्छा, ऑनलाइन भेज दो हो? हाँ जी, ऑनलाइन भेज देंगे, अगर कोई 10-15 केजी मात्रा में मंगाएगा तो। तो बिट्टू भाई यो तो पहली बार मैंने बढ़िया सुने आप कि आप ऑनलाइन भेज दो हो। हाँ जी, तो मतलब ऑनलाइन खातर क्या करना पड़ेगा? ऑनलाइन खातर उन्हें पेमेंट कर देगा जी गूगल पे फोन पे में। अच्छा, आप हाँ डिलीवरी कर देंगे।
10-15 किलो मंगाना पड़ेगा। 10-15 केजी मतलब आसपास को 20-30 किलोमीटर तक, अगर ज़्यादा दूर मंगाएगा तो कम से कम 30-40 किलो का तो ऑर्डर होना चाहिए। हाँ जी, तो भाई ये बढ़िया खुशखबरी है कि आप ऑनलाइन भी मंगा सको हो घेवर ने, क्योंकि बहुत सारी जगह हमने पूछा है तो ऑनलाइन घेवर नहीं भेजा जाता, लेकिन आड़ है ऑनलाइन भी घेवर भेजा जाता। बाकी सारी चीज़ आपने एक एक करके देख भी ली है, गाय के दूध तक मावा बनाया जान लग रहा है, बाहर गाय भी खड़ी कर रखी है, चगर द पोस्टर भी लाग रहे हैं, किनाने वाले की होगी है मौज, और किनाने वाले ने नहीं तुमने भी वो घेवर खा कर देखना और बताना है कि किसा घेवर है। तो ये लगातार है जो लेना आने लाग रहे हैं और लेके जाएंगे, क्योंकि अगर बुनू को आ गए कोथड़िया का सीजन चल पड़ा है, सामन लाग रहा है, तो घेवर बिना तो कोथड़ी पूरी होवे को ना। तो भाई अपनी छोरिया खातर भी खूब सारा घेवर लेके जाओ, सुतरा लेके जाओ, उन्हें भी खवाओ बढ़िया घेवर, ताकि उनको सुसराड़िया भी याद रखे कि हाँ कोथड़ी आई थी हमारी बहू की। तो भाई लेके जाओ देख लो वो घेवर है यार, बनाने वाला 10 साल तक बनाना लग रहा है, बड़ा गजब का घेवर बना हुआ है। और जो भाई लेके गया है वो भी जरूर बताइयो कि कैसा लग गया आड़े का घेवर, किनाना का घेवर, पिनाना घेवर कर है जिनने पिनाना काम कर रखा है और किनाना का घेवर है, तो दोनों चीज़ मिल गई है। और घी भी जो आप यह जलेबी देखने लग रही है अभी देसी घी की है, गुआना की जलेबी, पिनाना का घेवर कसूता है, तो सारे बताइयो कैसा लग गया। लेके जाइयो गणे दिन को ना, तीजा लग खाओगे गणे तो उसके बाद तो फिर भर जाएंगे मीठे में तो फटाफट ले जाओ भाई, बांट के देखो, हमने तो खा लिया, थारी बारी है और नहीं फिर दिखाते रहोगे आपने, तब तक के लिए जय हिंद।